अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं सबसे पहले आप लोगों को एक बात मेंशन करना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए, जो मैंने सैटरडे के दिन आप लोगों का जो टेस्ट लिया था, ठीक है, उस टेस्ट में जो है मैक्सिमम भी नहीं था, मिनिमम था। ठीक है, मिनिमम 8 स्टूडेंट्स ने जो है पार्टिसिपेंट किया था। मैं अभी कह रहा हूँ कि मैं सच कह रहा हूँ, आप लोगों का YouTube का जो एग्जाम है वो उसी बेस पे आएगा। तो अभी से आप लोग प्रिपरेशन जो है स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है, आप लोगों को, ताकि एग्जाम्स जो आपके आने वाले एग्जाम्स है, T1, T2, U1 जो एग्जाम्स है, उसका पेपर के पैटर्न भी उसी तरह से आएगा। ताकि क्योंकि ये आपका जो है आगे भी जो है इसी अगर पैटर्न पे चलेंगे तो आप लोगों को आगे बहुत क्या होगा, हेल्पफुल होगा आप लोगों को दूसरे एग्जाम्स जो आपको क्रैक करने हैं, एंट्रेंस एग्जाम। ठीक है, तो अभी से आप लोग प्लीज यार थोड़ा सा अपने करियर के ऊपर ज्यादा फोकस कीजिए और अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर दो। आफ्टर ऑल आप लोग जो है हायर क्लास के स्टूडेंट्स हो, ठीक है। तो देखिए, कल मैंने जो है एक आप लोगों को थर्ड क्वेश्चन दिया था, जिसमें जो है हमने सिर्फ वहां पे न्यूट्रिशन का प्रोसेस पढ़ा था, यानी डाइजेशन वाला जो था मैन के अंदर, वो जो है हमने वहां पे एमपीटी रखा था, हमने अच्छे से पढ़ाया नहीं था आप लोगों को, ठीक है। तो आज हम वही डाइजेशन वाला पढ़ाते हैं, चलो। सो देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो डाइजेशन मेन के अंदर जो डाइजेशन चलता है, प्रोसेस डिस्क्राइब करने को कहा था, वो किस तरह से होता है। डाइजेशन तो आपको पता है कि क्या होता है, डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, जो आपके फूड पार्टिकल्स होता है वो क्या हो जाता है, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट होके इसके बाद उसका जो है एब्जॉर्प्शन होता है, वही होता है डाइजेशन, ठीक है। तो देखिए, डाइजेशन इन ह्यूमन बॉडी टेक प्लेस इनिशियली इन द माउथ, वेयर केमिकल एंड फिजिकल डाइजेशन टेक प्लेस। सबसे पहले डाइजेशन प्रोसेस वो स्टार्ट होता है हमारे बक्कल कैविटी से, स्टार्ट होता है हमारे माउथ में से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले माउथ में दो प्रोसेस होता है, फिजिकल एंड केमिकल्स। यानी फिजिकल वो होता है मास्टिकेशन, बड़ा था ना मास्टिकेशन, जो आपका सैलेवा के साथ फिर मिक्स होकर जो आप चिविंग करते, ग्राइंडिंग करता, जो भी करते हैं, वो सारा प्रोसेस मास्टिकेशन कहलाता है, ठीक है। इसी तरह से जो केमिकल डाइजेशन होता है वो क्या होता है, आपका सैलिवरी एक्शन, ठीक है। सैलिवरी एक्शन का मतलब जो आपके सैलेवा आपके फूड के ऊपर क्या करता है, एक्ट करके उस वहां पे कार्बोहाइड्रेट के वहां पे वो क्या करवाता है, डाइजेशन करवाता है, ठीक है। After then the food turn to bolus from then through esophagus. इसके बाद फूड जो है bolus में कन्वर्ट होके क्या करता है, esophagus के थ्रू क्या होता है, मूव होता है नीचे की तरफ, ठीक है। By peristaltic movement यानी क्या होता है, जैसे ओसोफेगस से फूड एंटर होता है नीचे की तरफ, वहां पे जो है एक प्रोसेस होता था, कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन वाला प्रोसेस होता था, जिसे हमने पेरिस्टलाइसिस कहा था, ठीक है। उस प्रोसेस के थ्रू वो आपके बॉडी के नीचे क्या जा रहा था, फूड जा रहा था। इट इंटर्स इनटू द स्टोमक। इसके बाद वही पेरिस्टलाइटिक मूवमेंट फॉर द वहां पे स्टॉप होने के बाद वो कहां जाता था, स्टोमक के अंदर चला जाता था। इसके बाद स्टोमक के अंदर क्या होता था, देखिए, स्टोमक वेयर सेवरल एंजाइम एक्ट ऑन बैक्टीरिया कंटेन फूड एंड लार्ज अमाउंट ऑफ फूड गेट डाइजेस्टेड। और वहां पे बहुत सारा क्या होता था, जो आपके एंजाइम्स है या एसिड्स है वो क्या करता था, फूड के ऊपर एक्ट करता था और वहां पे भी थोड़ा बहुत डाइजेशन होता था, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पेप्सिन वहां पे प्रोटीन्स के डाइजेशन करवाता है, ब्रेकडाउन करवाता है, फ्रेगमेंट्स करवाता है, ठीक है। इसके बाद फ्रॉम स्टोमक इट इंटर्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके बाद वो कहाँ चला जाता है, वो फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है, हमारे जो सबसे लॉन्गेस्ट ट्यूब है हमारे एलिमेंट्री कैनाल के, 3.5 ऑलमोस्ट ऐसा कुछ, स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है, वेयर डाइजेशन ऑफ फूड टेक प्लेस। और वहां पे क्या होता है, डाइजेशन जो है मैक्सिमम वहां पे जो कंप्लीट होता है डाइजेशन, ठीक है। वहां पे जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल है वो क्या करता है, कुछ वहां पे जूस जो है सिक्रेट करता है, ठीक है। और मिलियंस में हमारे जो स्टोमक है वहां पे गैस्ट्रिक जूस होता है, ठीक है। एट स्टार्टिंग, जैसे यानी वो फूड स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर चला आता है, ड्यूओडेनम वेयर लिवर सीक्रेट, जो हमारे ड्यूओडेनम पार्ट है वहां से, उसके जस्ट ऊपर लिवर प्रेजेंट होता है, वहां से बाइल जो है क्या होता है, सीक्रेट होता है, लिवर सीक्रेशन करना स्टार्ट करता है, जो फैट के ऊपर क्या करता है, एक्ट करता है, ठीक है। एंड लाइक दिस सो डाइजेशन गोज फर्दर, और इसी तरह से डाइजेशन आगे क्या होता है, चलता है, ठीक है। और हमारे बहुत सारे डाइजेस्टिव जूस जो हमारे पैनक्रियाज से क्या होता है, सीक्रेट होके चला आता है। मैं सारा डिफाइन करता तो आप लोगों को इससे भी लंबा बन जाता, तो इसलिए मैंने बहुत ही छोटा करके इस क्वेश्चन को रखा, ठीक है। आफ्टर द फोर्थ क्वेश्चन देखिए, सो नेक्स्ट देखिए, फोर्थ क्वेश्चन आपका आता है, राइट द फंक्शन ऑफ टंग, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन।
आपका जो है फंक्शन लिखना है, टंग की क्या फंक्शन होता है, स्टोमक की क्या फंक्शन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन की क्या फंक्शन होता है, लार्ज इंटेस्टाइन की क्या फंक्शन होता है, ये सारा हमें क्या करना है, अच्छे से मेंशन करके पुटअप करना है। ठीक है, सबसे पहला देखिए टंग, हम टंग का क्या फंक्शन है, आप लोगों को पता है यार टंग से हम क्या कर सकते हैं, बात कर सकता है, यानी हमारे फूड को मूव कर सकता है, मूव करवा सकता है। ठीक है, इसी तरह के सेलेवा के वहां पे मिक्सेशन होता है वहां पे, ठीक है, फूड अच्छे से वहां पे, इसके बाद कार्बोहाइड्रेट की वहां पे क्या होता है, डाइजेशन होता है। ठीक है, मैंने यही लिखा है, टिंग हेल्प अस इन स्पीकिंग, यानी स्पीकिंग में मदद करता है, मूविंग फूड अराउंड माउथ, माउथ के अराउंड क्या कर सकता है, उस फूड को जो है वो हम मूवमेंट उसके करवा सकता है। इसी तरह वाइल वी चीव, जब हम चबा रहा है उस टाइम पर, ठीक है, मिक्सिंग सेलेवा विद फूड, इसी तरह से फूड को जो है अच्छे से सेलेवा के साथ वहां पे क्या करता है, उसके उसको मिक्स करवाते हैं। ठीक है, एटसेट्रा, और भी बहुत सारे फंक्शंस है जो आपको पता होगा। ठीक है, सेकेंड देखिए स्टोमक, स्टोमक हेल्प इन स्टोरेज फॉर टेम्परेरी फूड, कुछ टेम्परेरी फूड्स होता है जिसकी जो है स्टोरेज में क्या करता है, हेल्प करता है स्टोमक। इसी तरह से ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन इनटू सिंपलर फॉर्म, जो प्रोटीन्स की जो ब्रेकडाउन होता है वो स्टोमक के अंदर ही होता है, हमारे एक एंजाइम्स जो है वहां पे सीक्रेट होता है पेप्सिन। ठीक है, उस पेप्सिन की मदद से क्या होता है, प्रोटीन की वहां पे जो है ब्रेकडाउन होता है। इसी तरह किलिंग ऑफ बैक्टीरिया, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपके जो स्टोमक सीक्रेट करता है वहां पे क्या होता है, इसके बाद जो फूड के अंदर जो हार्मफुल बैक्टीरियाज होता है उनका वहां पे वो क्या करवाता है, किलिंग करवाता है, उनको मार देता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सी स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है, इट हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड, ये क्या करता है, फूड के डाइजेशन में क्या करता है, हेल्प करता है। सबसे पहले तो आपको पता है ज्यादातर डाइजेशन हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन ऑफ फूड, और जो हमारे एब्जॉर्प्शन होता है, एसिमिलेशन होता है, ये सारा प्रोसेस इसी के अंदर होता है। ठीक है, और ज्यादा जो कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन यीस्ट का भी जो है वहां पे डाइजेशन होता है, क्योंकि जो पैनक्रियाज होता है वो डाइजेस्टिव जूस वहां पे सीक्रेट करता है, इसके बाद वहां पे जो फ्रैगमेंट्स होता है वो ज्यादा जो है कन्वर्ट हो जाता है सिंपलर फॉर्म में। ठीक है, इसके बाद वही से एब्जॉर्प्शन जो है स्टार्ट होता है। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज लार्ज इंटेस्टाइन, देखिए लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड साल्ट गेट रेट ऑफ एनी वाटर प्रोडक्ट लेफ्ट हुआ वेस्ट प्रोडक्ट लेफ्ट हुआ एटसेट्रा। और क्या करवाता है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का क्या फंक्शन होता है, लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन ये होता है, ये वाटर और साल्ट की क्या करवाता है, एब्जॉर्प्शन करवाता है, गेट रेट ऑफ एनी वेस्ट प्रोडक्ट लेफ्ट हुआ एटसेट्रा, और हमारे बॉडी में जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है उनको जो है रेक्टम के अंदर वो स्टोर करवाता है, इसके बाद रेक्टम के थ्रू एनस से वो क्या होता है, फर्दर एक्सपेल्ड आउट होता है। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखिए, देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको जो है डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम आपको वेल लेबल करना है। ठीक है, उसको लेबल करके लिखना है। तो सबसे पहले आपका ओरल कैविटी आता है, फिर टंग देखिए, फिर सेलेवरी ग्लैंड, फिर फेरिंग्स, फिर एसोफेगस आता है, लिवर, स्टोमक, गॉल ब्लैडर, डियोडेनम, पैंक्रियाज, लार्ज इंटेस्टाइन, इसी तरह से आपका सारा पार्ट यहाँ पे शो किया हुआ है, इसी को आपको क्या करना है, कॉपी पे अच्छे से बनाना है। ठीक है, बी पार्ट देखिए क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग पार्ट इन द ह्यूमन बॉडी, यहाँ पे कुछ आप लोगों को क्वेश्चंस दिया हुआ है, उनको जो है आपको आइडेंटिफाई करना है ह्यूमन बॉडी के अंदर वो कौन सा पार्ट है। ठीक है, तो सबसे पहला देखिए, द लार्जेस्ट ग्लैंड इन अवर बॉडी, हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है। ठीक है, हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड क्या है, लीवर होता है, जहां से हमारा क्या स्क्रीट होता है, बाइल जूस स्क्रीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सेकंड द ऑर्गन वेयर प्रोटीन डाइजेशन स्टार्ट, वो ऑर्गन, उस ऑर्गन का नाम आइडेंटिफाई करना है जहां से क्या होता है आपका प्रोटीन डाइजेशन, जहां से स्टार्ट होता है, जहां पे स्टार्ट होता है, तो वो पार्ट है आपका स्टोमक, क्योंकि स्टोमक के अंदर हमारा क्या सिक्रीट होता है, पेप्सिन, डाइजेस्टिव जूस होता है, वो पेप्सिन सिक्रीट होता है, जिसके थ्रू क्या होता है, प्रोटीन जो है फ्रैगमेंट होता है। ठीक है, थर्ड देखिए, द ऑर्गन दैट रिलीज डाइजेस्टिव जूस इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी आपको वो ऑर्गन्स बता करना, उस ऑर्गन्स को आइडेंटिफाई करना है जहां से डाइजेस्टिव जूस की क्या होता है, सेक्रेशन होता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके वो क्या करता है, अपना वो सर्वाइव करवा करता है। ठीक है, तो उस ऑर्गन का नाम होता है पैनक्रियास, पैनक्रियास से हमारा जो है ज्यादा डाइजेस्टिव जूस निकलता है, और वही जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के जाने के बाद क्या करता है, वहां पे फैट, विटामिन, मिनरल्स, फैट, जो प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, उन सबके डाइजेशन करवाता है।
एंड द लास्ट वन होता आपका है द ऑर्गन वेयर बाइल जूस गेट स्टोर्ड, उस ऑर्गन को आइडेंटिफाई करना है जहां पे बाइल जूस क्या होता है स्टोर रहता है। ये तो सबको पता है यार, ये होता है हमारा गॉल ब्लैडर, ठीक है। गॉल ब्लैडर के अंदर क्या रहता है हमारा बाइल जूस सीक्रेट, बाइल जूस सॉरी स्टोर रहता है, ठीक है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज क्या है, लिस्ट द फाइव स्टेप फूड अंडरगो ड्यूरिंग डाइजेशन, आपको पांच स्टेप्स बनाना है ऐसा, ठीक है, जहां से क्या होता है हमारा डाइजेशन जो है वो चलता है, ठीक है। सो फर्स्ट द फाइव आंसर देखिए, द फाइव स्टेप फूड अंडरगोज ड्यूरिंग डाइजेशन आर, तो सबसे पहले हमारा होता है माउथ के थ्रू जाता है, इसके बाद एसोफेगस, इसके बाद स्टोमक में, इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में लास्ट पे होता है, लेकिन मैंने पांच स्टेप में कहा तो स्मॉल इंटेस्टाइन इंटेस्टाइन को जो है एक ही रो में रख के स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन को रखा, ठीक है। एंड लास्ट वन हमारा लिवर, गॉल ब्लैडर और पैनक्रियास, यहां से जो है हमारा मैक्सिमम सेक्रेशन हमें देखने को मिलता। ओके, तो आप लोगों का लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी यहीं पे खत्म होता है, ठीक है। और आप लोगों को यहाँ पे यूनिट टेस्ट पेपर दिया हुआ है, ये आप खुद से घर पे कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट हमारा जो है नेक्स्ट सैटरडे को इंशाल्लाह हम फिर से एक नए टेस्ट के साथ आएंगे आप लोगों के साथ। तो आप लोग तब तक के लिए खुदा हाफिज, एंड इंशाल्लाह आप लोग भी अच्छे से जो है स्टडी करेंगे टेस्ट के लिए। सारे स्टूडेंट्स की जो है मुझे अटेंडेंस चाहिए, ठीक है, सारे टेस्ट के लिए सारे स्टूडेंट्स जो है नेक्स्ट सैटरडे को सब अवेलेबल होना चाहिए, कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारा जो है फाइबर और फाइबर टू फैब्रिक है वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।